नमस्कार दोस्तों, झुंझुनू की बेटियों ने तो हर जगह नाम रोशन किया है, लेकिन झुंझुनू की बहू भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ, शनिवार को छात्र संघ चुनाव परिणामों में झुंझुनू के खेतड़ी के चिरानी गांव की बहू सुनीता गुजर ने खेतड़ी कॉलेज में जीत दर्ज की है। उन्होंने कॉलेज की पहली छात्रा छात्र संघ अध्यक्ष होने का गौरव भी हासिल कर लिया है। खेतड़ी के स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का शनिवार दोपहर चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया। चुनाव परिणाम में महाविद्यालय की छात्रा सुनीता गुजर को अध्यक्ष चुना गया है। सुनीता गुजर चिरानी गांव की बहू हैं तो खेतड़ी के ही बिलवा गांव की बेटी हैं। उनके पिता बिलवा के सरपंच रह चुके हैं। सुनीता गुर्जर ने अपने प्रतिद्वंदी संजय सैनी को 63 मतों से हराया है। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रामनारायण झा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए सुनीता गुजर, संजय सैनी, निशा सैनी, नेहा, राहुल सोनी, खड़क सिंह मैदान में थे। इनमें से सुनीता गुजर को 685 वोट और संजय सैनी को 622 वोट हासिल हुए। इसके अलावा महासचिव के पद पर विकास कुमार ने 675 मत हासिल किए हैं। मतदान परिणाम की घोषणा के दौरान एसडीएम जयसिंह ने विजेता छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था और राज्य सरकार के निर्देशानुसार किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। खेतड़ी कॉलेज का मुकाबला बड़ा ही रोचक माना जा रहा था और आखिर खेतड़ी की ही बेटी और खेतड़ी की ही बहू सुनीता गुजर ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया है। और आपको बताते चलें कि सबसे खास बात यह कि खेतड़ी कॉलेज की सुनीता गुजर पहली छात्रा छात्र संघ अध्यक्ष हैं और ये उन्हें गौरव हासिल हो गया है।